जो लोग नहीं कर रहे हैं आप वो करें ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर सकें. यू नो यू हैव टू सेट योर टारगेट अकॉर्डिंग टू योर ओन कंडीशन एंड योर ओन इन्वायरमेंट. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेमन विद नाउ. एंड आज की वीडियो में आई विल टेल यू दैट हाउ कैन यू स्कोर 70 प्लस मार्क्स इन योर यूजीसी नेट एग्जाम पेपर वन. सो जैसे कि मैं पता है हमारा जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है ऑफ जून 2024, उसको बस अभी 40 दिन अराउंड बचे हैं, ठीक है. एंड उसमें आई विल गिव यू सम टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज जिसके थ्रू आप लोग, आपके पास एक यू नो फ्रेम होगा दैट यू कैन स्कोर 70 प्लस मार्क्स, ठीक है. सो ओके, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. सो व्हाट आई हैव सीन इज़ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जैसे पेपर टू में बहुत फ्लरिश्ड होते हैं, ठीक है. पेपर टू उनको आता है बिकॉज इट्स आर सब्जेक्ट एग्जाम, है ना. पेपर टू हमारे सब्जेक्ट का होता है बट पेपर वन इज समथिंग विच इज़ न्यू फॉर ऑल ऑफ अस. उसकी सारी जो यूनिट्स होती है वो हमारे नई होती हैं. सो बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें मतलब मार्क्स कम आते हैं, ठीक है. इवन आई एम समवन जो पेपर टू में काफ़ी अच्छा कर लेती बट पेपर वन में मतलब आई हैव टू वर्क. सो ये मैंने बहुत सारी चीज़ों में देखा है बट स्टिल आई टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि आप कैसे 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं. वैसे अगर आई टेल यू, अगर आपको GRF अगर आपका टारगेट है सो आई हाईली सजेस्ट कि आप 80 अपना एक टारगेट रखें. अदरवाइज आपको पेपर टू में बहुत ज़्यादा यू नो 150 अबव लाना होगा विच इज़ समथिंग अचीवेबल बट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है. बट इसीलिए मैं कह रही हूँ पेपर वन में 70 प्लस अगर आप ले आते हैं तो देर इज़ अ चांस कि आपका एक्चुअली नेट तो हो ही जाएगा बट GRF भी हो सकता है, क्लियर. सो 70 प्लस के लिए मतलब आप लोगों को एक्चुअली 35 क्वेश्चन सही करने होते हैं. नाउ 35 क्वेश्चन सही करना का मतलब देर आर 10 यूनिट्स, ठीक है ना. हमें पता है हमारे जो पेपर वन में है उसमें 10 यूनिट्स होती हैं, क्लियर. अब अगर उसमें से हम 35 मार्क्स लगाएं तो इसकी आपके एक्चुअली 7 यूनिट आपकी सही होनी चाहिए. मतलब 7 यूनिट में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए. अगर आप 7 यूनिट के सारे क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, सारे जो 5-5 क्वेश्चन आते हैं अगर आप वो करेक्ट करते हैं तो आपके 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, क्लियर. बट इज़ दिस पॉसिबल? आपको लगता है कि मतलब सारे क्वेश्चंस जो भी हम सोचे, अगर मैं सोचूं कि मैंने 7 यूनिट्स ऐसे कर रखी हैं कि मैं सारे मार्क्स ले आऊँगी, मतलब ठीक है, दिस शुड बी योर टारगेट कि आपके सारे मतलब सारे आपकी यूनिट्स ऐसी हों, आप बिल्कुल यू नो टॉप नॉच और बहुत ही अच्छी. बट कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी बाहर से आ जाता है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है या कोई कॉन्सेप्ट जो हमसे गलती से मिस हो गया हो, ठीक है. तो हम लोग कभी भी नहीं सोच सकते कि अगर 7 यूनिट मेरी बहुत ही अच्छी से हैं कि मतलब मैं उसमें फिर इतने मार्क्स ले आऊँगी. सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सारी यूनिट्स में आपके पास मतलब कुछ यूनिट्स ऐसी हो सकती हैं जो आपकी बहुत अच्छी हों, ठीक है, कि जिसमें आपको पता है कि मैं मतलब देर बहुत कम एक प्रोबेबिलिटी कि कोई क्वेश्चन गलत होगा. बट फिर भी हमेशा से एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोई ना कोई क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा आ जाएगा जो आज तक नहीं आया है, जो हमने PYQs की तरह या कॉन्सेप्ट्स में हमने नहीं पढ़ा था, क्लियर. सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सारी 10 यूनिट हो ना वो आपको बहुत आपकी क्लैरिटी हो उसमें, ओके. ओके, सो टेलिंग यू अबाउट स्ट्रैटेजी. सी, हमारे पास 10 यूनिट होती हैं, क्लियर. 10 यूनिट में कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो टेक्निकल हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे यूनिट्स जो थ्योरेटिकल हैं. नाउ द थ्योरेटिकल वंस रिक्वायर रोट लर्निंग, ठीक है, बहुत ही कॉन्स्टेंट डिवीजन में करना होता है, जैसे कि हमारा पीपल इन्वायरमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हायर एजुकेशन हो गया एंड कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है. इन सब में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत बार को रिविजन करने की ज़रूरत है और बहुत इन डेप्थ एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा वाइड नॉलेज है, चीज़ें आती रहती हैं. इवन अगर आप पीपल इन्वायरमेंट में देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें रिपीटेड मतलब बहुत ज़्यादा एक्चुअली लेटेस्ट आ रही हैं, ठीक है. हायर एजुकेशन में भी वही सब चीज़ें, कोई नई स्कीम आ गई, गवर्नमेंट ने कुछ भी निकाल दिया, यू हैव टू लर्न अबाउट एवरीथिंग, ठीक है. बट ऑन दी अदर हैंड जो आपकी टेक्निकल सारी जो यूनिट्स हैं, टेक्निकल में आपका क्या आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं ऐसे मेंशन करना चाहूँगी, मैथ्स हो गई, ठीक है. तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्यों उसमें बता रही हूँ, आपको बता दूँ, देखो टेक्निकल जो है ना, अगर आपको टेक्निकल यूनिट्स आपकी आपको अगर टेक्निकल यूनिट्स सारी आती हैं सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप ना मतलब देर इज़ अ वेरी लेस स्कोप कि आपके कोई क्वेश्चन गलत होंगे. मतलब देखो अगर स्पेशली फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इसमें मैं बताती हूँ आप लोगों को डायरेक्ट लगना चाहिए भाई 20 मार्क्स आपके फिक्स हैं, ठीक है. मतलब वो हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इनमें आपके मतलब 15-20 मार्क्स हमें फिक्स लगाओ अगर आपको ये अच्छे से आती हैं तो, ठीक है. अगर डेटा इंटरप्रिटेशन होगा कोई क्वेश्चन है और आपको पता है कि उसे कैसे करना है एंड यू नो यही आंसर आ रहा है तो आपको पहले से पता होगा कि दिस इज द करेक्ट वन, ओके. सो मतलब इसीलिए ये मुझे लगता है बहुत स्कोरिंग है, जो आपके एक्चुअली जितनी भी टेक्निकल यूनिट्स है ना वो बहुत ही स्कोरिंग है. बट हेयर कम्स अ थिंग कि बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं दे आर स्केयर्ड ऑफ दीज यूनिट्स बिकॉज समवेयर मतलब हम बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता या डर लगता है तो वो इनको अटेम्प्ट भी नहीं देते हैं. सो हेयर कम्स द मेजर पॉइंट इज दैट अगर आपने ये सब प्रैक्टिस करा है ना तो आप उस पॉपुलेशन से अलग हो जाते हैं,
देखो बाकी सारे जो थियोरेटिकल यूनिट्स है लोग रट्टा मार के कैसे ना कैसे कर लेंगे, ठीक है ना। अब वो अलग बात है, किस्मत की बात है कि वहाँ पे आपने पढ़ा था वो आया नहीं आया, कुछ ऐसा आ गया जो आप एक्चुअली मिस कर दिए, ठीक है। बट जो टेक्निकल यूनिट्स है ना, अगर आपने वो अच्छे से प्रैक्टिस करी है, ठीक है ना, अच्छे से आपने उनको देखा है, समझा है, उनकी ट्रिक समझी है, तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि आप उसे सही करेंगे और आप उसमें जितने मार्क्स आप स्कोर करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। सो इसमें एक्चुअली मेजर पॉइंट ये है कि जो पॉपुलेशन कर रही है आपको उससे कुछ अलग करना है, ठीक है। अदरवाइज 50-60 मार्क्स कोई भी ले आएगा, ठीक है, बट अगर आपको 70 से ऊपर लेके आने हैं, 80 से अबव मार्क्स लेके आने हैं, तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। नाउ द डिफरेंट इज एज आई मेंशन इज डूइंग DI और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सही करना, मैथ सही करना। अगर आप इनको सही करते हैं तो आप ऑलरेडी जो 90% लोग जिनको डर लगता है इन सब चीज़ों से, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्लियर। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा कि आप जो एक्चुअली जो लोग नहीं कर रहे हैं आप वो करें ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर सकें। एंड जैसे कि आप पेपर थोड़ा पास आ रहा है, हाईली सजेस्ट कि आप ना जो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, आप उन पे ध्यान दें। नाउ एज आई वाज सेइंग कि पेपर वन ना बहुत वास्ट है, मतलब बहुत ही वास्ट है। अगर आप देखेंगे स्पेशली अगर आप जो थ्योरेटिकल वाले साइड पर देखते हैं, सारी यूनिट्स को देखते हैं, बहुत सारा डेटा, बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे सब चीज़ों से भरा हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है, क्योंकि अब हमें टाइम भी कम है ना, अब एक डेढ़ मंथ में आप कितना कर पाएंगे। सो जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने PYQ से एनालाइज करा या, ठीक है, उनसे देख के आपको देखना है कि इन्हीं सब चीज़ों को मैं बार बार रिवाइज करूँ, ठीक है, इन्हीं को बार बार पढ़ूँ। नाउ इसी में मैं अगला पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, विच इज़ टू डू द रिविजन। देखो अभी तक अगर जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर ली होंगी, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है, कि आप लोगों ने मतलब पढ़ ली होगी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, जो भी सारे आपके पॉइंट्स और टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब आप कर चुके होंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ रिवाइज, क्योंकि यूजुअली क्या होगा, आपके आपके माइंड में तो सारा डेटा फीड हो गया है कि अब उस डेटा को याद कैसे करोगे ना, मतलब इतना सा कुछ पढ़ तो लिया है, बट अभी अगर मैं कुछ पूछ लूँ कि आपको पता है ये क्या है, आपने पढ़ा था बट आपने अगर रिवाइज नहीं किया है तो आपको ध्यान नहीं आएगा। और पेपर में ऐसा बहुत बार होता है कि हमें क्वेश्चन पता है, हमने कहा अरे मैंने पढ़ा था, बट वेन इट कम्स टू आंसरिंग दैट क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू नो आपने रिवाइज नहीं किया था। अब आपको पता है कि मैंने पढ़ा था बट आई डोंट नो द आंसर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिविजन में बहुत ध्यान दें और जो भी आपने पढ़ा है इट्स इनफ, ठीक है, अंटिल अनलेस आप अभी भी मतलब 30-40 डेज आर इनफ। अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट है, आप डेटा इंटरप्रिटेशन या मैथ्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट आई ऑल्सो सजेस्ट कि आपने जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आप उन पर भी ध्यान दें, उन पर भी काम करें। नाउ नेक्स्ट इज टू सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड टारगेट्स। नाउ व्हाट आई मीन फ्रॉम रियलिस्टिक इज आपको पता होना चाहिए आपका पेपर सेकंड कैसा है, आपका पेपर फर्स्ट कैसा है, ठीक है। खुद से झूठ नहीं बोलना है, यू मस्ट नो कि आप पेपर वन में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नाउ यू हैव टू टारगेट, नो अब आपने अगर इतनी मन से प्रैक्टिस करी है आपको कुछ तो आइडिया आया होगा ना कि आपका पेपर टू ज़्यादा अच्छा है, आपका पेपर वन ज़्यादा अच्छा है, या आपको किस क्वेश्चन में, किस यूनिट में, किस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देनी है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रियलिस्टिक गोल्स और टारगेट्स बनाने हैं, ठीक है। रियलिस्टिक से मतलब ये है कि आपको बस हवा में नहीं उड़ना है कि एक दिन में मैं ये करूँगा ऐसे करूँगा। और जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रिपरेशन टाइम में बहुत सारी जगह से बहुत सारे टाइप की अलग अलग टाइप की गाइडेंस आ रही होती है, ठीक है, बट वो जो गाइडेंस दे रहा है वो उन ब्लेम देम, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग दे रहे होते हैं, ठीक है, वो जो उन्होंने अपने तरफ से एक्सपीरियंस करा है, तो उनको सुनो बट एनालाइज करो कि क्या वो बोल रहे हैं वो आप पे इंप्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिकॉज यू आर लिविंग अ डिफरेंट लाइफ, ठीक है। आपकी फैमिली अलग हो सकती है, आप जिस कंडीशन में पढ़ रहे हैं वो अलग हो सकता है, सो यू हैव टू सेट योर गोल्स अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, ओके। सो आप उस चीज़ को देखें कि ठीक है अगर मेरी 5 यूनिट, मुझे 5 यूनिट में काम करना है तो मैं 10 दिन दूंगी, या फिर मैं अभी आज दिन में ये पढ़ लेती हूँ। यू नो यू हैव टू सेट योर टारगेट अकॉर्डिंग टू योर ओन कंडीशंस एंड योर ओन एनवायरनमेंट और अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग। आपको अगर लगता है कि आप तैयारी में बहुत पीछे हैं तो आपको ज़्यादा आवर्स देने पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, टू पेपर वन और पेपर टू। अगर आपको लगता है कि तैयारी बहुत अच्छी है तो आप रिविजन पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, और आप प्रैक्टिस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, मॉक टेस्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, यू नो, और सॉल्व करते रहें पेपर्स और क्वेश्चंस, तो ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। अब जो कोई नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी से मतलब तैयारी स्टार्ट करी, तो उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, उनको थोड़ा क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती, उन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, क्लियर। सो दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप दैट इट वॉज हेल्पफुल एंड लेट मी नो आपको कैसा लगी मेरी वाली स्ट्रैटेजी। और अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है वो भी प्लीज़ यहाँ पे मतलब मुझे कमेंट कर देना। एंड आई वाज मतलब मुझे एक लगा था कि अभी हम जैसे कि पेपर वन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 70 मैंने एक बताया है कि इट्स मिनिमम, ठीक है। आप इसे ज़्यादा भी स्कोर करने के लिए चीज़ें कर सकते हैं 80+ के लिए, बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, अभी पेपर बहुत पास आ रहे हैं। सो आप जितना भी अपना टाइम प्रिपरेशन को दे सको, ठीक है ना, तो उतना देना। एंड
अगर कोई और डाउट है, ठीक है, कोई और टॉपिक पे भी, लेटेस्ट टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ डू लेट मी नो, और मुझे फीडबैक देना, कमेंट करना, एंड ओके, आई गेस वी आर डन फॉर टुडेज वीडियो. सो आई सी यू माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट. आना दूसरी वीडियो में आप, ठीक है, मैं कुछ और टॉपिक लेके आऊँगी. टिल देन, चलो टाटा, टाटा बाय बाय, टेक केयर.